सब्सक्राइब कीजिए टेकनॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेकनॉक चैनल पे, और आज हम ले आए हैं टेक अपडेट का एक नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो अपडेट आता है वो है नोकिया की तरफ से। नोकिया 6 की रजिस्ट्रेशन amazon.in पे चालू हो चुकी है। ये फ़ोन 23 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, और अगर आप लेना चाहते हैं नोकिया 6 तो जाइए amazon.in पे, लॉगिन कीजिए और नोकिया 6 की बुकिंग चालू कीजिए। दोस्तों अगला जो अपडेट आता है वो है मोटोरोला की तरफ से। मोटो E4 प्लस ने पहले सेल में 24 आवर्स के अंदर 100,000 पीसेस बिक चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों क्या आपने भी खरीदा है मोटो E4 प्लस, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो अपडेट है फिर से एक और रैंसमवेयर के बारे में है। पिछले कुछ दिनों से मैलवेयर एंड्रॉयड का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पहले कॉपीकैट, फिर स्पाई डीलर और अब लीकर लॉकर। ये ऐप फोन से आपके पर्सनल पिक्चर्स, मैसेजेस एंड ब्राउज हिस्ट्री चुरा के दोस्तों को भेज देता है या रैंसमवेयर की मांग भी करता है। एक सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक प्ले स्टोर के 2 ऐप्स में इसे पाया गया है, वॉलपेपर ब्लर HD और बूस्टर एंड क्लीनर प्रो। तो दोस्तों इन दोनों ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कीजिए और अपने डेटा को सेफ रखिए। दोस्तों अगला जो अपडेट आता है वो है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया है मैसेंजर लाइट, जो आपके फ़ोन में काफ़ी कम स्पेस लेगा, स्लो इंटरनेट में भी काफ़ी अच्छा चलेगा। फिलहाल इंडिया में ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फेसबुक की ओर से एक और अपडेट आया है। मोबाइल फ़ोन पे फेसबुक यूज़ करने वालों की संख्या अभी 100 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया 2017 के एंड तक US को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएगी। फिलहाल इंडिया दूसरे पायदान पर है। दोस्तों अगला जो अपडेट आता है वो है व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के नई वर्जन में किसी भी तरह के फाइल इंक्लूडिंग MP3 और PDF अप टू 100 MB तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी न्यूज़ है, इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक नया ऐप जिसका नाम है आयकर सेतु, जिससे आप टैक्स पे कर सकते हैं और पैन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इससे आप अपने पैन कार्ड का आधार के साथ लिंक भी करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेकनॉक्स चैनल को। धन्यवाद, अलविदा।